हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोगों को देखेंगे ये हुंडा जनरेटर है। ये 6 साल से पड़ा हुआ था हुंडा जनरेटर है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसको फुल सर्विस करके दिखाएंगे, स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हुंडा लिखा है, ES-K 1200 मॉडल है ये जनरेटर है। इसमें क्या हो रहा है बता देते हैं, और क्या क्या करेंगे वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। इस इंजिन में कॉम्प्रेसर नहीं है, देखिए कैसे पता चलेगा कॉम्प्रेसर नहीं है। ये जो रिकॉयल है, रिकॉयल टालने से ये इजी आ जा रहा है, ये कॉम्प्रेसर इंजन पर नहीं लग रहा है। क्या करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो आज फुल सर्विस करके दिखाएंगे, गवर्नर एडजस्ट करके दिखाएंगे, क्या क्या करेंगे डिटेल्स इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ऊपर का जितना कवर है वो खोल लेते हैं। खोलने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या करेंगे, डिटेल्स बताएंगे दिखाएंगे। तो देखिए पूरा कवर खोल लिए हैं, ये केनोफी सिस्टम जनरेटर है, पूरा ढका हुआ था तो सब कवर खोल लिया। अब इंजन दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है और क्या करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, क्या हो रहा है वो बता देते हैं। इस इंजन पर कॉम्प्रेसर नहीं है, तो सबसे पहले हेड खोल के वाल्व जो सीट है वो लीक कर रहा है, उसको पॉलिश करके लगाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। अगर कोई जनरेटर पर कॉम्प्रेसर लीक करता है तो सबसे पहले वाल्व को चेक करना चाहिए, वाल्व सीट पॉलिश करने से कॉम्प्रेसर आ जाएगा, लीकेज बंद हो जाएगा कॉम्प्रेसर लीक। तो देखिए टैंकी भी खुला हुआ है, ये टैंकी वॉश करना होगा क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ था, स्टार्ट नहीं हो रहा है। टैंकी वॉश करके लगाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, इसमें क्या क्या करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। हेड खोल लेंगे और इसका जो मेन गवर्नर एडजस्ट, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था जनरेटर का गवर्नर एडजस्ट करके दिखाइए। तो देखिए ये जो गवर्नर है यहाँ पर, गवर्नर लीवर, ये गवर्नर एडजस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे गवर्नर एडजस्ट करता है। और इस वीडियो में कुछ हिस्सा रात में शूट किया हुआ है तो लाइट थोड़ा कम हो सकता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। और चलिए खोल के कार्बोरेटर साइलेंसर हेड पूरा खोल के दिखाते हैं। तो देखिए हेड खोल लिया और इस इंजन का बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये इंजन GK 200 इंजन है, ये जनरेटर पर भी लगता है, वाटर पम्प पर भी लगता है। तो देखिए पिस्टन पर कितना कार्बन हो गया है और वाल्व पर भी कितना कार्बन पड़ गया है, तो इसको क्लीन करेंगे। और कॉम्प्रेसर जो लीक हो रहा है वो दिखा देते हैं, बता देते हैं। देखिए ये जो वाल्व खोल लेना होगा, अब लोगों को दिखाएंगे वाल्व पॉलिश करना। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्रेसर लीक कर रहा है, वाल्व सीट पॉलिश करेंगे, ये जो वाल्व सीट है इसको पॉलिश करके लगाएंगे, पॉलिश कैसे करता है वाल्व सीट वो भी दिखाएंगे। देखिए ये भी एग्जॉस्ट वाल्व है तो इसको भी पॉलिश करेंगे, पूरा सीट दोनों अच्छा से पॉलिश करेंगे, क्लीन करेंगे, हेड क्लीन करेंगे, उसके बाद लगाएंगे आप लोगों को दिखा देंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितना कार्बन पड़ा हुआ है हेड पर। ये बीच बीच पर इंजन सर्विस करना चाहिए था, मेंटेनेंस करना चाहिए था, लेकिन इस पर हुआ नहीं है। तो ये 6 साल से पड़ा हुआ था और ये 15 साल से ज़्यादा ये हुंडा जनरेटर हो गया है। तो चलिए ये कार्बन जितना है क्लीन कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं हेड पर भी कितना कार्बन जम गया है, ये कार्बन भी छोड़ा लेना होगा। और ये कार्बन छोड़ाने का नियम होता है आप लोगों को बताएंगे वीडियो पर। और देखिए इधर वाल्व का जो स्प्रिंग लॉक रहता है यहाँ पर लगा हुआ रहता है, और वाल्व का कितना गैप रहता है वो भी वीडियो में बताएंगे। और कार्बन छोड़ने का नियम जो होता है वो बता देते हैं। देखिए धीरे धीरे कार्बन ऊपर से हटाना होगा, पिस्टन पर क्रैच या दाग नहीं आना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान पर कार्बन छोड़ाने का टाइम ध्यान रखना होगा। तो चलिए ये वाल्व पॉलिश करना आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए वाल्व पॉलिश कर रहे हैं, और वाल्व पॉलिश करने के लिए वाल्व ग्राइंडर पेस्ट चाहिए आप लोग को, वो वॉक्सपोल कंपनी का होता है, दूसरा कंपनी का भी होता है, वॉक्सपोल कंपनी का थोड़ा सा अच्छा होता है, कहीं पर भी ये मिलता है। ये पेस्ट दे के वाल्व पॉलिश करना होता है, जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। वाल्व सीट पर दे के और थोड़ा सा पेट्रोल या केरोसिन दे के ऐसे घुमाना है तो वाल्व सीट और वाल्व पॉलिश हो जाएगा। अच्छा से पॉलिश करने के बाद इंजन का जो कॉम्प्रेसर लीक होता है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इंजन सही से स्टार्ट होगा, आपका नॉकिंग नहीं करेगा, अप डाउन इंजन नहीं चलेगा, सही से चलेगा। अगर कॉम्प्रेसर लीक होता है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है और अप डाउन भी करता है, ये प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए वाल्व सीट को अच्छा से पॉलिश कर लेना होगा। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं वाल्व सीट पॉलिश कैसे हुआ है।
तो देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व कैसे पॉलिश हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर सीट लगता है वहाँ पर पॉलिश सा आ गया है, पूरा कार्बन लगा हुआ था वो हट गया है, पॉलिश आ गया है। ऐसा ही वाल्व सीट पर भी पॉलिश आएगा, कहीं पर भी कार्बन नहीं आएगा, एक राउंड सा पॉलिश आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये लगा के दिखाते हैं और हेड भी क्लीन कर लेते हैं और वाल्व का कितना गैप रहेगा वो भी बता देते हैं। और ये जो क्लीन करने का प्रोसेस है ये पेट्रोल या केरोसिन से आप लोग कर सकते हैं, जितना अच्छा क्लीन होगा साफ़ सुथरा होगा काम का रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। तो चलिए आप लोगों को आप दिखाते हैं वाल्व कितना गैप रखना है और वाल्व कैसे लगाना है। तो देखिए एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व ये फिलर गेज से माप लेना होगा, ये है फिलर गेज। फिलर गेज से आप लोगों को जो वाल्व क्लियरेंस है वो देख लेना होगा, टेपिट क्लियरेंस भी बोलते हैं। तो इनलेट वाल्व रहेगा 0.08 से 0.16 mm और एग्जॉस्ट वाल्व रहेगा 0.11 से 0.19 mm तक रख सकते हैं। तो चलिए आप इसको लगा लेते हैं, वाल्व स्प्रिंग मतलब वाल्व ब्लॉक वाल्व स्प्रिंग लगा लेते हैं। और इसको लगाने के लिए ये टूल्स चाहिए, ये टूल्स के बिना भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये टूल्स रहने से अच्छा होगा। इससे लगा लेते हैं वाल्व ब्लॉक और वाल्व स्प्रिंग, चलिए लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए वाल्व लगा लिया, आप हेड गैस्केट लगा लेते हैं और हेड गैस्केट पर आप थोड़ा सा गैस्केट सीमेंट दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो हेड लगा के आप लोगों को दिखाते हैं और हेड लगाते लगाते आप लोगों को कुछ बात बताते हैं। हेड लगाने का टाइम नट बोल्ट जो टाइट देंगे उसका नियम होता है वो बता देते हैं क्या नियम होता है। तो देखिए नट बोल्ट टाइट देने का नियम होता है क्रिस क्रॉस सिस्टम, ये मतलब एक इधर टाइट दीजिए एक इधर टाइट दीजिए, इसमें क्या होगा हेड नहीं लीक करेगा और नट बोल्ट भी नहीं काटेगा। तो ऐसे करके टाइट देना चाहिए हेड। ये सब जो हम बता रहे हैं आप लोगों को कोई भी वीडियो पर नहीं मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखते जाइए, ऐसा छोटा छोटा जानकारी आप लोगों को बहुत सारा मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो हेड लगाने के बाद टैपिट कवर लगाएंगे, टैपिट कवर में दो पैकिंग रहता है, एक ऊपर एक अंदर, उसके बाद टाइट कर देंगे। अब बता देते हैं स्पार्क प्लग का गैप कितना रखना चाहिए और ये गैप मापेंगे कैसे। तो देखिए ये फिलर गेज से आप लोग को माप लेना होगा इसका गैप, और इसका गैप का साइज रहेगा जो 0.6 mm से 0.7 mm तक रखना चाहिए, मिलीमीटर तक। और ये फिलर गेज नहीं है तो आप लोग जो टेंसर होता है हेस को जितना मोटा होता है उतना बराबर इसका गैप रखने से ही चलेगा स्पार्क प्लग का। तो चलिए ये कवर लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कार्बोरेटर के बारे में बताते हैं। तो देखिए ये है कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर क्लीन करके लगाएंगे क्योंकि बहुत दिन से ये इंजन पड़ा हुआ था। अगर आपका इंजन बहुत दिन से पड़ा हुआ है या कार्बोरेटर पर ओवर फ्लो हो रहा है, नीचे जो पाइप है पाइप पर पेट्रोल या केरोसिन आ रहा है, तो कार्बोरेटर क्लीन करना चाहिए। और ये कार्बोरेटर क्लीन करने से आप लोगों का क्या होता है बहुत इंजन फास्ट हो जाता है, इंजन अच्छा से चलता है, और इंजन में जो दिक्कत आता है अप डाउन का या स्लो रनिंग वोल्टेज अप डाउन ये सब बंद हो जाता है। तो चलिए कार्बोरेटर क्लीन कर लेते हैं। इस वीडियो में डिटेल्स कार्बोरेटर का बारे में क्लीन करना नहीं दिखाएंगे, दूसरा कोई वीडियो में दिखाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, क्लीन करके लगाने का टाइम आप लोगों को दिखाएंगे गवर्नर एडजस्ट कैसे करता है, कार्बोरेटर कैसे फिटिंग करता है। तो देखिए कार्बोरेटर क्लीन हो गया, उसके बाद कार्बोरेटर फिटिंग करना दिखा देते हैं। सबसे पहले कार्बोरेटर पैकिंग देना होगा, उसके बाद ये इंसुलेटर देना होगा कार्बोरेटर इंसुलेटर, उसके बाद फिर एक पैकिंग देना होगा कार्बोरेटर पैकिंग, उसके बाद कार्बोरेटर लगाएंगे। और कार्बोरेटर में ये जो गवर्नर रॉड और गवर्नर स्प्रिंग है इसको सही से उधर लगाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को गवर्नर एडजस्ट करना, उसके बाद फिर एक पैकिंग देंगे, उसके बाद जो चोक्ड लीवर लगता है चोक केबल वो लगाएंगे, उसके बाद फिल्टर लगा देंगे। तो चलिए ये कवर भी लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। अब दिखाते हैं सबसे मेन चीज़, तो देखिए ये गवर्नर कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो गवर्नर लीवर है इससे लगाएंगे कार्बोरेटर का जो रॉड है और स्प्रिंग है उसको,
ये ध्यान पर रखिएगा, कार्बोरेटर स्प्रिंग जब लगाएंगे कार्बोरेटर से सीधा सीधा स्प्रिंग गवर्नर लीवर पर आएगा, बेज खाना नहीं चाहिए स्प्रिंग को। उसके बाद ऐसे करके गवर्नर रॉड को लगा लेना चाहिए, उसके बाद नीचे जो गवर्नर है लीवर उस पर लगा देना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे गवर्नर एडजस्ट कैसे करना है। तो देखिए हमने लगा दिया गवर्नर रॉड पर लीवर को, उसके बाद कैसे एडजस्ट करना है ध्यान से देखिएगा। आपको एक प्लायर चाहिए और ये जो लीवर है ऐसे देखिए हिल रहा है, तो इसको ऐसे घुमाना है राइट तरफ, ठीक है। घड़ी जिधर चलता है घड़ी के जैसे चलाना है, देखिए उधर ठेलना है, ठीक है। आप जैसे वीडियो देख रहे हैं राइट तरफ दाएं तरफ ठेलना है ऐसे करके, ठीक है, एरो जैसे दिखा रहे हैं। उसके बाद ठेल के रखना है और ये जो प्लायर है प्लायर से राइट तरफ घुमाना है, घड़ी जिधर चल रहा है चलता है उधर ऐसे करके राइट तरफ, देखिए ऐसे राइट तरफ घुमाना है, ठीक है। लीवर भी ठेल के रखना है और गवर्नर रॉड भी राइट तरफ घुमा के टाइट दे देना है, दिखा दे रहे हैं, देखिए ऐसे करके टाइट दे देना है। ऐसे होता है सटीक गवर्नर एडजस्ट करना। ये जीके 200 इंजन का सेम सिस्टम है, जितना वाटर पंप है जितना जीके 200 इंजन है, अलग अलग मॉडल का अलग अलग होता है। ये जीके 200 जो इंजन है इसमें ऐसा ही सिस्टम होता है, परफेक्ट गवर्नर एडजस्ट करना। आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाया है ये गवर्नर कैसे एडजस्ट होता है, और ये जो स्प्रिंग होता है नीचे घाट में लगेगा, दोनों घाट रहता है नीचे घाट में लगा देना चाहिए। ऐसे करके आप गवर्नर एडजस्ट करते हैं तो वोल्टेज सही रहेगा, वोल्टेज अप डाउन नहीं करेगा, इंजन भी अप डाउन नहीं करेगा, सटीक इंजन चलेगा। यही होता है सटीक प्रोसेस गवर्नर एडजस्ट करने का। और इधर से आप लोग गवर्नर एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज आरपीएम एडजस्ट कर सकते हैं, इंजन का आरपीएम बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, इंजन का आरपीएम कम होगा वोल्टेज कम होगा। और ये भी दिखा देते हैं कार्बोरेटर पर जहाँ आरपीएम स्क्रू रहता है, तो देखिए ये है कार्बोरेटर थ्रॉटल, ये कार्बोरेटर थ्रॉटल है और ये है आरपीएम स्क्रू। टाइट करने से इंजन का आरपीएम बढ़ता है, ढीला करने से इंजन का आरपीएम कम होता है। तो चलिए अब इंजन ऑयल चेंज कर लेते हैं और धीरे धीरे कवर फ्यूल टैंक लगा लेते हैं। तो इंजन ऑयल के बारे में डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं, कितना ग्रेड इंजन ऑयल लगता है, कितना लेवल लगता है, कितना घंटा के बाद बाद इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए जनरेटर का, तो हमने इस वीडियो में दिखाया था। ये वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं और ये वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और बहुत जनरेटर का वीडियो मेरे चैनल पर है, बहुत सारा मॉडल का, ये वीडियो ये सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो टैंकी भी वॉश हो गया, लगा दिए हैं, उसके बाद पूरा कवर लगा देते हैं। उसके बाद आप लोगों को इंजन स्टार्ट करके लोड टेस्ट करके दिखाएंगे कितना लोड ले पा रहा है। पूरा कवर लगाते लगाते आप लोग ये बताना चाहते हैं, अगर हुंडा जनरेटर का इंजन करना वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। इंजन करना बहुत सारा मॉडल का वीडियो है हुंडा जनरेटर का, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब ये जनरेटर कवर लगा के स्टार्ट करके दिखाते हैं, थोड़ा वीडियो फास्ट कर लेते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब इंजन स्टार्ट करके दिखाते हैं, चोक किया, रिकॉइल टानते हैं, तो देखिए टाना इंजन स्टार्ट हो गया, चोक बंद कर दिए। एक बार टानने से ही आप लोग देख सकते हैं इंजन स्टार्ट हो गया, एक बार टाना इंजन स्टार्ट हो गया, मतलब सब ठीक ठाक से फिटिंग हुआ है, सही से काम हुआ है, सर्विसिंग एक्यूरेट हुआ है। तो देखिए इंजन का साउंड आप लोग सुन सकते हैं, इंजन चल रहा है, जनरेटर अप डाउन नहीं कर रहा है, देखिए साउंड जो है पूरा एक ही लेवल पर साउंड है। आप लोगों को लोड टेस्ट करके देखा देते हैं ये जनरेटर कितना लोड ले पाता है और इसका कैपेसिटी क्या है। अभी तो साउंड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये कवर खुला हुआ है, ये कवर लगा देने से साउंड और थोड़ा कम हो जाएगा। आप लोगों को ये कवर लगा के भी देखा देते हैं साउंड कितना कम होता है। तो चलिए कवर लगा लेते हैं, इधर एक कवर लगा लिया, थोड़ा सा कम हो गया, आप लोग सुन सकते हैं। फिर ये कवर भी लगा लेते हैं, देखिए पूरा कम हो गया साउंड, ये कवर खुला रहने से थोड़ा ज़्यादा साउंड होता है। तो देखिए अभी साउंड सुन सकते हैं, साउंड स्मूथ है। चलिए आप लोड टेस्ट करके आप लोगों को देखते हैं ये लोड कितना ले पाता है। ये एसी आउटपुट है, तो देखिए हमने एसी आउटपुट पर
तार लगा दिए हैं और लोड बेंच पर आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए वोल्टेज भी ठीक है, सही से वोल्टेज दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए अब इसका लोड दे के दिखा देते हैं। तो देखिए ये 500 पावर का बल्ब है, दोनों जलाया, तीनों जलाया, 1500 इसका कैपेसिटी हो गया, 1500 वाट ये लोड ले पा रहा है। आप लोगों को दिखा देते हैं ये जनरेटर कितने कैपेसिटी का है। तो देखिए यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन लिखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, वोल्टेज 220 रिटेड आउटपुट 1 KVA और मैक्सिमम आउटपुट 1.3 KVA, मतलब 1300 इसका मैक्सिमम आउटपुट है और 1000 KVA इसका रिटेड आउटपुट है, 1000 पर चलाना है। तो हमने 1500 वाट इसको लोड देके आप लोगों को दिखाया है और साउंड भी सुन सकते हैं, इसका जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड देके आप लोगों को दिखाया है इस हुंडा जनरेटर पर। ये हुंडा जनरेटर है इसीलिए ये पॉसिबल है, ज़्यादा लोड ले पा रहा है। तो आप लोगों को इसका कैपेसिटी का अंदर रख के चलाना है। तो ये तीनों बल्ब बंद कर दे रहे हैं, लोड देने से थोड़ा ज़्यादा आवाज़ होगा, अभी ये तीनों बल्ब बंद कर दे रहे हैं, आवाज़ थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। तो सर्विसिंग करना हुंडा जनरेटर कैसे चाहिए आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, और बहुत सारा मॉडल का सर्विस करना जनरेटर का वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके देख सकते हैं। नया जनरेटर हुंडा जनरेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारा मॉडल मेरे चैनल पर दिया हुआ है, रिव्यू स्पेसिफिकेशन जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह नया नया वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।